हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला वीडियो। चाहे आप गर्ल हो या बॉय, दोनों के ये वीडियो काम आने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करें, खुद को एक बेहतर इंसान कैसे बनाएँ, या फिर सुंदर कैसे दिखें, अट्रैक्टिव कैसे दिखें। अलग अलग आपने टिप्स देखे होंगे, सुने होंगे, और हर किसी के लिए ना कुछ चीज़ें काम करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं काम करती हैं। तो आपको उनमें से जो समझ आता है आप वो फॉलो कर लेते हो। मेरे चैनल पे भी आपको एक दो वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी। मेरे हस्बैंड का एक चैनल है पॉजिटिव रियलिटी, जिसका लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि अनअट्रैक्टिव कैसे आप बनते हो, किन चीज़ों से आप अनअट्रैक्टिव हो जाते हो। तो अगर आप वो चीज़ें छोड़ दोगे ना, तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी और एक अच्छी तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे, लोगों को एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के तौर पे खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर डेट पे जा रहे हो, या फिर अपनी शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हो, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी सिनेरियो हो, अगर आपको अपनी एक अच्छी पॉजिटिव छाप छोड़नी है सामने वाले के मन पे, अगर आपको खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, आप चाहते हो कि सामने वाला आपको लाइक करे, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। पसंद आया ना तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ में, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कि ये वीडियो कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात, पहली बार यहाँ पे हो ना तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर वन इज़ अपना पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखिए। ये हर किसी के लिए है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बारिश, आप कहीं भी रहते हो, अपनी क्लीनिंग का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बताने वाली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अडल्ट ही होगे और आप जानते होगी रोज़ नहाना, दो टाइम ब्रश करना, स्मेल आ रही है अपने ऊपर से तो उसकी टेक केयर करना, एक परफ्यूम लगाना, डियो लगाना, खुद का वेलबींग का आपको ध्यान रखना है, टाइमली अपना हेयर वॉश करना है, फेस वॉश करना है, नाखून काट के रखने हैं। बेसिक से छोटी छोटी बातें हैं जो बचपन में मम्मी हमें सिखाया तो करती थी और डरा के धमका के मारपीट के करा भी दिया करती थी ज़बरदस्ती, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वही चीज़ें भूल जाते हैं, आलस करने लगते हैं, या फिर इतने बिजी हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी से नहाया और बस बाहर निकल आए। थोड़ा सा टाइम लगाओ वॉशरूम में यार, खुद को ढंग से क्लीन करो। और अगर आपको कोई बड़ा स्पेशल दिन है ना, जैसे कि आप डेट पे जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लड़का या लड़की देखने जा रहे हो, उससे पहले तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम अपने साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, खुद की क्लीनिंग करने के लिए, अच्छे से ड्रेसअप करने के लिए। ऊपर से स्मेल तो नहीं आ रही आपके, आपके हेयर्स तो चिपचिपे नहीं हैं, गंदे नहीं हैं, स्मेली नहीं है, मुँह से आपके स्मेल तो नहीं आ रही। ये बेसिक सी छोटी छोटी बातों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर टू इज़, आपका जो फेस है ना वो आपके दिल का हाल सामने वाले को बता देता है, तो अपने फेस का ज़रूर ध्यान रखो। आपका जो फेस है ना वो ऐसे डल सा दिख रहा है, मुरझाया सा दिख रहा है, और बिल्कुल भी मॉइस्चराइजेशन नहीं है, इसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं सामने वाले के मन पर। सोचो आप इंटरव्यू के रूम में आपने एंटर किया और आप ऐसे थका हारा सा डल सा चेहरा लेके जाओगे तो एक एनर्जी नहीं आएगी चेहरे पे, वहीं आपका चेहरा एक खिला हुआ सा होगा, आप प्रॉपरली ड्रेसअप होगे, एक स्माइल के साथ आप अंदर जाओगे और एक वार्म वेलकम के साथ में सबको गुड मॉर्निंग बोलोगे या कुछ भी करोगे, तो वो एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले के मन पे। तो आपका जो फेस है ना वो थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, मतलब कि स्माइल के साथ आप लोगों के सामने जाओ, थोड़े से अपने फेस का आप नॉर्मली भी ख्याल रखा करो। मेरी स्किन केयर प्लेलिस्ट देख लेना, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बनाई हुई हैं, टिप्स आपको दिए हुए हैं कि अपने फेस का आप ध्यान कैसे रख सकते हो, अपने बालों का आप ध्यान कैसे रख सकते हो, जिससे कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंजेस आता ही है। इसके अलावा जब भी आप किसी को ग्रीट करो तो स्माइल के साथ करो, और आप बहुत सारा पानी पियो। देखो पानी पीने से ना आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, आपका फेस भी बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो थोड़ा सा आपको अपने फेस के हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और वो है कि आप ओवरऑल
ऊपर से नीचे तक कैसे दिख रहे हो। देखो मैंने काफ़ी बार बताया है अपने स्टाइलिंग वाली मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करना, लड़कियों को भी टिप दी है और लड़कों को भी दी है। बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना जो आपका पूरा स्टाइल जो है वो ख़राब कर देती हैं। जैसे कि आप सोचो कि आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आप फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते हो ना, आप जीन्स और टी शर्ट में चले जाओगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा, और आप ऊपर से नीचे तक पूरा फॉर्मल वेयर में जाओगे वो आपके एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। तो आप ओकेजन के हिसाब से पहले तो तैयार होना सीखिए। अगर आपको स्टाइलिंग नहीं आती है, आपको नहीं समझ है, तो बहुत देर नहीं हुई है, आप सीख सकते हो चीज़ें। मेरी स्टाइलिंग की वीडियो है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, वो आप जाके चेक कर लेना, आपको वहाँ से टिप्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दो, जैसा ओकेजन है उसके हिसाब से आप कलर पहनिए। अगर आप जैसे शादी बारात में जाते हैं तो रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, लड़के हैं तो ब्लैक और ब्लू, इस तरह के कलर्स पहनते हैं ना, जैसे आप वैसे ही जब आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या फिर किसी को अपने एक छाप छोड़ने अगर जा रहे हो ना, तो ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी को और उभारे। ऊपर की जो आपने जिस तरह की शर्ट पहनी है, जैसे कि आपने अगर वाइट शर्ट पहनी है ना, तो आपका जो बॉटम है वो थोड़े से डार्क कलर का होना चाहिए। लाइट कलर है तो उसके साथ डार्क बॉटम पहन सकते हो, वहीं ऊपर का आपका अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर है तो बॉटम जो है वो थोड़ा सा लाइट पहनो। सब कुछ आप डार्क डार्क पहन लोगे ना तो वो बहुत थोड़ा अजीब सा लगेगा, और सिर्फ ना कपड़ों का वो ब्राइट कलर ही दिखेगा, एक वो चमकीला सा, आप कहीं दिखोगे ही नहीं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी से किसी को इम्प्रेस करना है, सिर्फ आपके कपड़े देख के उनकी आंखें चौंधिया ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ ये कि ओवरऑल एक बार खुद को शीशे में ज़रूर देखें, आपकी जो ड्रेस है ना उसके तरह के आपके ना फुटवेयर भी होने चाहिए। आपने कोई एसेसरीज पहन रखी है वो आपके ड्रेस के साथ में जाने चाहिए, ओकेजन के हिसाब से जाने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं कि अपने हर ड्रेस में हर ओकेजन पे वही स्पोर्ट शूज़ पहन के चले जाएंगे। अरे भाई अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हो तो फॉर्मल शूज़ पहनिए ना आप। थोड़ा सा वैरायटी आई थिंक लड़कों को भी और लड़कियों को भी अपने वार्डरोब में रखनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो आपकी पूरी वार्डरोब ऐसे भरी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी चॉइसेस होनी चाहिए। जैसे कि एक जोड़ी आपके पास फॉर्मल वेयर के शूज़ हो, एक जोड़ी आपके पास कैजुअल शूज़ हो, एक आप अपनी पसंद का स्पोर्ट शूज़ भी रख सकते हो। तो एक एक कम से कम जोड़ी आपको हर तरीके का ऐसा रखना चाहिए कि जैसा ओकेजन है, जिस हिसाब से आप तैयार हो रहे हो, उस हिसाब का आप वो कपड़ा या फिर वो शूज़ या फिर वो एसेसरीज़ पहन सको। वहीं मैंने बहुत सारी लड़कियां भी देखी हैं कि इंडियन पूरा मेकअप कर लेंगी, इंडियन तरीके से पूरा बड़ा बड़ा पूरा मांग भर के सिंदूर लगाएंगी और बड़ी सी बिंदी लगाएंगी, बड़े बड़े से इयररिंग पहनेंगी और नीचे पहन लेंगी जीन्स और टी शर्ट, तो वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा लगता है। अगर आपको इंडियन तरीके से तैयार होना अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल लुक आपको रखना है, तो आप नीचे कुर्ती पहन लीजिए, आप सूट पहन लीजिए, आप साड़ी पहन लीजिए, या फिर अगर आपको जीन्स टी शर्ट ही पहनना है तो उसके हिसाब से हल्का सा मेकअप करो, मेकअप करो। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो कि ओवरऑल आप बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगने चाहिए, बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा डल भी नहीं होना चाहिए, बीच का कुछ आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को बात करना नहीं आता, कम्युनिकेशन करनी नहीं आती, या तो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं जो कि सामने वाले को बोर कर देती है, या फिर इतनी कम बात करते हैं, इतना धीरे बोलते हैं कि आप में इंटरेस्ट नहीं रह जाता सामने वाले का। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि इंटरव्यू में भी, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं या डेट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं बोलते जाना है कि आप सामने वाले की बात ना सुन रहे हो, और इतना कम भी नहीं बोलना है कि सामने वाले को लगे कि अरे ये कैसा इंसान है, इसको तो कोई ओपिनियन ही नहीं है या इसका तो बोलना ही नहीं आ रहा। बीच में कहीं आपको रहना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है ना वो टू वे होना चाहिए। आप थोड़ा सा उनकी सुनो, फिर अपनी बोलो, फिर थोड़ा सा रुको ताकि उनको नेक्स्ट चीज़ कुछ पूछने का या बताने का आपको मौका मिले। तो टू वे कम्युनिकेशन हमेशा होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। ये सबसे ज़्यादा करता है सामने वाले को, जिस तरह की आप बातें करते हो ये आपका एक सोचने का तरीका भी दिखाता है, आपकी जो सोच है या फिर आपकी जो बिलीफ हैं उन्हें आप क्लियरली सामने वाले को अगर बताओगे, रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये आपकी एक अलग छाप छोड़ के जाएंगे। नेक्स्ट इज आपका कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं,
जो बैठते भी है ना तो बिल्कुल ऐसे दब के बैठ जाएंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिखाता है। पैर जो है उन्हें क्रॉस कर लेंगे, वो भी दिखाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। या फिर बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अरे मुझे तो सब आता है, या अपना पैसा बहुत ज़्यादा है मेरे पास, उसकी बढ़ाई चढ़ाई करेंगे, कितना बैंक बैलेंस है उसकी बढ़ाई करेंगे। आपके पास अगर है भी ना कुछ, आप किसी लायक भी हो, तो उसे आपको लोगों को जताने की बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो सामने वाले को आप का देख के ही, जैसे आप खुद को कैरी करते हो उसको देख के ही पता चल जाता है। तो कभी भी अपनी जो शान है ना वो नहीं दिखानी चाहिए किसी को भी। अगर आपके पास कुछ है भी, वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल लगते हैं वही सबसे ज़्यादा झुका हुआ होता है। अगर आपके पास कुछ है भी, आपकी कोई हैसियत है, आपके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो झुक के चलिए। ये नहीं कि बिल्कुल सर उठा के घमंड में चल रहे हो, नहीं। वो भी एक अनअट्रैक्टिव बनाता है आपकी पर्सनैलिटी को। और कोई आपसे बात करना, इंटरेक्ट करना, दोस्त बनना आपका पसंद नहीं करेगा अगर आप किसी ऐसे घमंडी स्वभाव के हो या फिर बिल्कुल ही दब्बू स्वभाव के हो। दब्बू भी नहीं बनना है और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भी नहीं रहना है, थोड़ा मीडियम रहना है। आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो, उनसे बात कैसे करते हो, ये भी जताता है कि आप अनअट्रैक्टिव हो या अट्रैक्टिव हो। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब देते हो, मुंह चढ़ा के बात करते हो, बहुत ज़्यादा अपना एटीट्यूड दिखाते हो, पैसों का अपना शान दिखाते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये कहीं ना कहीं आपका नेचर दिखाता है। आपका बिहेवियर कैसे है, दूसरे लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हो, लोगों की आप बेइज्जतियाँ ही मारते हो, ये चीज़ें भी फ़र्क डालती हैं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे। तो थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है ना उसमें थोड़ी सी नरमी लाइए। बहुत ज़्यादा आपको दब्बू भी नहीं बनना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी की सुनते ही जा रहे हो, कोई आपको दबाए जा रहा है, आपको 10 बातें बोले जा रहा है और आप एक जवाब भी नहीं दे रहे हो, ऐसा भी नहीं बनना है। और दूसरों पर ज़्यादा अपना दोष जमा के भी नहीं रहना है, आप अपने रास्ते पर चलिए। अगर कोई आपको परेशान करे, पोक करे, तो उसको जवाब भी देना है, और बिल्कुल ऐसे भी नहीं चलना है कि दूसरों को आप हमेशा परेशान ही कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर बदतमीज़ भी नहीं बन जाना है, और बहुत ज़्यादा आपको दब्बू स्वभाव भी अपना नहीं रखना है कि सब आपको सुना के ही जा रहे हैं। वो कहते हैं ना मंदिर का घंटा जिसे हर कोई बजाया ही जा रहा है, वो भी नहीं बनना है। नेक्स्ट और सबसे आखिरी बात, आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए, आपकी फ्यूचर एक प्लानिंग होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे का हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर प्लान चेंज हो जाते हैं, हमारे गोल्स नहीं सेट हो पाते। तो इट्स ओके अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्रॉड आइडिया नहीं है, पर थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होना ही चाहिए ना कि मुझे ज़िंदगी में आगे चल के करना क्या है। थोड़ा सा एक पर्पज़ होना चाहिए, एक आपका गोल होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है। कन्फ्यूजन होती है, बहुत बार होती है। कन्फ्यूजन में भी दो रास्ते तो होते हैं ना कम से कम, कि मैं ये करूँ या ये करूँ। तो दोनों में से वो दोनों चीज़ें आपने सोची होंगी, तभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना बिल्कुल वेल्ले, जिनके पास ना कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, आगे क्या होगा, इवन कल उठ के भी उन्हें क्या करना है वो भी उन्हें नहीं पता होता, बस ज़िंदगी चल रही होती है। तो ऐसे लोग भी लोगों को बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं, जिनका कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। उनसे तुम पूछो कि अगले साल क्या करना है तुमको, या फिर ये पर्टिकुलर कोई आप कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके बाद आप क्या करोगे, उन्हें नहीं पता, तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, बस ज़िंदगी चल रही है, मज़े में चल रही है। तो ऐसे वाले लोग भी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आते किसी को भी। आपका एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, आपकी फ्यूचर एक थोड़ी सी अपने मन में खुद को लेके प्लान होनी चाहिए। बहुत सारे लोग खुद को ना अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं इस चीज़ में कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या ही कर लूँ, कुछ भी नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं दिखता। तो ये अंडर एस्टिमेट भी खुद को करने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके मन में होना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा आप रख के चलो। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर इंसान की अपनी एक खूबी होती है, आप वो पहचानो खुद के अंदर, आपके अंदर अच्छा क्या है, अपने प्लस पॉइंट, अपने माइनस पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ताकि आप उन पर काम कर सको। जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं ना, उन पर आपको काम करके उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, और जो वीक पॉइंट हैं उन पर भी आपको काम करके उनको अपनी वीकनेस से थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करना है, कि वो आपकी वीकनेस ना बने, जो आपके माइनस पॉइंट है वो आपको पीछे ना खींचे। तो इस तरीके से खुद पे काम आपको हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा अपना किस तरीके से आप पर्सनैलिटी और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई ना, इन पे ज़रूर से ध्यान देना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। थोड़ा सा आप इन पे ही काम कर लोगे ना, तो आप एक बहुत अच्छी, एक अलग पर्सनैलिटी बन के सामने आओगे, एक बहुत ज़्यादा लाइकेबल पर्सनैलिटी बनोगे। इंटरव्यू में अगर आप
देने जा रहे हो ना, तो सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री क्या है या फिर आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने नंबर हैं, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो ना सामने वाले के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, डेट पर जा रहे हो, किसी लड़की को देखने जा रहे हो, लड़के को देखने जा रहे हो, तो आप अपनी बारे में उन्हें कैसे बताओगे, वो तो आपको जानते नहीं है। देखो, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसे जानेंगे? अदरवाइज़ तो फिर वो आपको गलत तरीके से ही जज कर लेंगे ना। तो सामने वाले को आप अपने आप को प्रेजेंट करो इस तरीके से कि जो आप हो वो दिखाओ, कोई नकली दिखावा नहीं करना है। जैसे आप हो, अपनी पर्सनैलिटी को ही थोड़ा सा आपको बस इम्प्रूव करना है। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करें बिना बिल्कुल भी मत जाना। आप लोग लाइक करना पता नहीं क्यों भूल जाते हो। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, YouTube को कैसे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं? और आप लाइक नहीं करते हो तो YouTube को भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या फालतू वीडियो बनाती रहती है, लोगों को तो पसंद ही नहीं आते। तो आप लाइक ज़रूर किया करो, और पहली बार मेरे चैनल पे हो तो ना सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लाती रहती हूँ, आपको मेरे बाकी के वीडियोज़ भी देखने हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत हुआ आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर।